हाय दोस्तों, मैं आपका वेलकम करता हूँ प्लांट इन वन चैनल पे। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको अपने प्लांट की अपडेट दिखाऊंगा कि उनकी ग्रोथ कैसे चल रही है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का भी बटन दबा दें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, ये अर्डेनियम प्लांट है मेरा जिसको मैंने कट किया था, आपको पता ही होगा। आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, इसमें न्यू लीफ भी आ रहे हैं। तो ये इसकी अभी ग्रोथ जो है अच्छे से चल रही है, इसको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं आपको इसका सीड्स दिखाता हूँ जो मैंने सीड लगाया था। ये दोस्तों अर्डेनियम के सीड्स, ये सिर्फ मेरे पास एक ही बचा है। तो उससे मेरे पहले जो सीड्स थे अर्डेनियम के, जो तीन वो मैं ग्रो किए थे, आपको भी दिखाया था मैंने, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो सही से सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन ये एक जो सीड्स था ये मैंने बचा लिया। आप देख सकते हैं ये अभी कितना बड़ा हो गया है और इसमें एक और लीफ भी आ गए, दो लीफ और आ गए इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है दोस्तों इसके लीफ, ये जो अभी छोटे से हैं। तो अभी देखते हैं ये कब तक सर्वाइव करता है प्लांट, मैं आपको इसकी अपडेट देता रहूँगा। तो ये अब आप देख सकते हैं, ये मेरा कड़ी पत्ते का प्लांट है, ये भी अब अच्छे से ग्रो करने लगा। आप ये देखिए इसके न्यू लीफ कितने अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों मैंने अपने प्लांट्स में कुछ चीज़ यूज़ की है तो उसके 2 वीक्स के बाद का रिजल्ट है। आप ये देख सकते हैं मेरे कड़ी लीफ के प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई और इसके न्यू लीफ भी ग्रो हो रहे हैं, इसकी ग्रोथ भी अभी तक चल रही है। ये देखिए, मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि मैंने क्या यूज़ किया है, तो आप मेरी वीडियो एंड तक देखें। तो अब मैं बात करता हूँ अपने अगले प्लांट की। ये दोस्तों मेरा फाइकस का प्लांट, स्टारलाइट फाइकस, इसकी भी अब ग्रोथ स्टार्ट हो गई। आप देख सकते हैं मैंने इसको पहले यहाँ से कट किया था तो ये नीचे से अब ग्रो करने लगा। मैं आपको अभी इसे ऊपर से दिखाता हूँ कि ऊपर से इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई। एक लीफ दिखाता हूँ आपको, ये जिस टाइम आपको दिख रही है इसी में एक लीफ जो है वो ग्रो हो गई। ये देखिए, मैं इसको फोकस करता हूँ ज़रा, ये देखिए दोस्तों ये भी अब अच्छे से ग्रो होने लगी। तो मैं और ऊपर से आपको इसे दिखाता हूँ कि इसकी लीफ जो हैं वो और कैसे ग्रो हो रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपको एक छोटा सा लीफ दिख रहा है, ये भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है छोटा सा लीफ। तो ये ऐसे ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इसका आगे आके हम बॉन्साई भी बना सकते हैं, तो जब भी बॉन्साई बनाना होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन अभी नहीं बनाना इसे, नेक्स्ट ईयर हम बनाएंगे, क्योंकि अभी इसे इसी में ग्रो करने देंगे इसको। मैं आपको इसका लीफ पास से दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों अभी यहाँ से भी एक स्टेम निकलेगी इसकी और उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ होगी। ये वाला प्लांट देखिए दोस्तों मेरा, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई, जो मैंने चीज़ यूज़ की थी ये उसी से अच्छी ग्रोथ हो गई इसकी। तो इस पर दोस्तों आप देख सकते हैं फ्लावरिंग भी आ गई। ये मेरा नारंगी का प्लांट है, ऑर्नामेंटल ऑरेंज, इसमें भी एक छोटे से ऑरेंज से लगते हैं लेकिन वो खट्टे होते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस पर फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें स्मेल भी बहुत अच्छी आती है, मीठी मीठी। तो ये बहुत सारे इसमें फ्लावर आ गए, देखते हैं कौन से इसमें फ्लावर रुकते हैं और कौन से फ्रूट बनते हैं, क्योंकि जब भी ऐसा कोई प्लांट ग्रो होता है उसके सारे जो फ्लावर होते हैं उनसे फ्रूट नहीं बनता, उसमें से कुछ गिर जाते हैं। तो आप इसकी न्यू लीफ भी देख सकते हैं, इसकी लीफ भी ग्रो कर रही है और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। तो अब मैं आपको जो चीज़ है जो मैंने यूज़ की है अपने प्लांट में उसके बारे में बताता हूँ। तो ये है दोस्तों वो चीज़ जिसके बारे में बात कर रहा था। आप ये देख सकते हैं ये दोस्तों गोट ड्रॉपिंग है, ये मेंगनियाँ हैं बकरे की, ये बहुत अच्छी होती हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक ये फर्टिलाइज़र है प्लांट्स के लिए, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं और इसका आपके प्लांट के साथ कोई नुकसान नहीं है, आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। बस इसको यूज़ करने का तरीका यही है, इसको आप सॉइल में रखिए और इसको हल्के से पुश कर दीजिए अंदर सॉइल के और ऊपर से सॉइल डाल दीजिए, इससे दोस्तों स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र बन जाएगा आपके प्लांट में, जो इसके न्यूट्रिशंस होंगे वो धीरे धीरे सॉइल में मिलते रहेंगे। अगर आपको इसका रिज़ल्ट और अच्छा चाहिए तो आप इन्हें क्रश करके इसमें सॉइल में आप मिक्स करिए, जिससे जो इसके न्यूट्रिशन जो है वो जल्दी से सॉइल में जाएंगे और आपके प्लांट्स की रूट्स को मिलेंगे। तो ये था दोस्तों मेरे प्लांट की ग्रोथ का राज, तो आप भी ये यूज़ करिए तो आपके प्लांट है वो बहुत हेल्दी हो जाएंगे और उसमें फ्रूटिंग भी अच्छी होगी और उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। मैं इसका आपको फ्लावर दिखाता हूँ, इसका फ्लावर बहुत अच्छा लगता है,
ये देखिए, एक ये छोटा सा फ्लावर है इधर, और बाकी जो फ्लावर हैं वो भी खिलेंगे, तो देखते हैं कब तक खिलते हैं और उनकी ग्रोथ क्या होती है। तो जब इसमें फ्रूट आएगा दोस्तों, वो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की आईडी देख सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे छोटी छोटी पोस्ट करता रहता हूँ। तो बस दोस्तों, आज मुझे आपको यही बताना था। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आपका अगर कोई सा भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो अगली बार मैं फिर मिलता हूँ एक नए प्लान के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।